अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन आलू का सालन। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी आपको रेसिपी बताना है क्योंकि भाई मुझे दूसरे भी काम है, इसके लिए मैंने आज जल्दी जल्दी आप रेसिपी स्टार्ट कर दी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने कुकर ले लिया, कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसके बाद हम ये डालेंगे अच्छा गरम मसाला, जो हमने तेज़पात का पत्ता है और ये तज है और ये फूल है, लौंग का, इलायची, ये सब भी है। सबसे पहले हम डाल देंगे ऑयल में ये गरम मसाला। फिर हमने ये मिक्सर के जार में प्याज और टमाटर की प्यूरी पीस लीजिए डाल देंगे। और हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इस मसाले को अच्छी तरह से, ये जो हमने डाली प्यूरी और अदरक लहसुन, ये अच्छी तरह से आप भून लीजिए। उसके बाद हम डालेंगे मसाले। अच्छा, ये हमारे जो प्यूरी और ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, ये अच्छे से भून गए हैं। इसके बाद हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर एक एक चम्मच, थोड़ा सा पानी और ये नमक। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। एक गैस के ऊपर मैंने ये आलू और चिकन जो है वो दोनों फ्राई कर लिए थे। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें फ्राई कर लिए, आप देख सकते हैं दोनों। अब मैं इसमें ही डाल देंगे। तो जो हमारा मसाला था वो अच्छे से गल गया है, वो भुन गया है। अब हम इसके बाद डालेंगे दही। ये मैंने डाल दिया है, दही डाल दिया है एक चम्मच। दही को भी आपको अच्छे तरह से भून लेना है। मिक्सी के जार में हमने खोपरा और चारों मगज, ये इसका पेस्ट बना लिया है। और ये पेस्ट बना के मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, ये अच्छे से भून गया है। अब आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी डाल दीजिए। अच्छा, इसमें पानी डाल देना है आपको,
और मैंने अभी आधा गिलास पानी लिया है, आपको अपने हिसाब से पानी डालना। और आपको कुकर का ढक्कन लगा देना, दो सीटी आए आपको गैस का फ्लेम को ऑफ कर देना है। और ये चिकन और आलू का सालन बन के रेडी हो चुका है। जब ही बन के रेडी हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे चिकन और आलू का सालन बन के रेडी हो चुका है, देखिए कितनी जल्दी बन गया है, क्योंकि हमने आलू और चिकन दोनों साथ में ही डाल दिए थे और सब बराबर से ही गले हैं। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, चिकन भी गल गई है और आलू भी गल गए हैं दोनों ही, क्योंकि दो ही सीटी में हमने दो ही सीटी लगाई है, लेकिन दोनों ही चीज़ गल गई है बराबर। अब आप इसे रोटी के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने ये रेसिपी इसलिए जल्दी जल्दी बनाई कि भाई मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा चिकन और आलू बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं अपना। और आज मैंने वीडियो खुद अकेले ही बनाई है, क्योंकि रोज़ तो मेरी बेटी हेल्प करती है, लेकिन आज उसका भी असाइनमेंट आ गया है तो उसने हेल्प करने से मना कर दिया था कि भाई मेरा असाइनमेंट चल रहा है, मैं किस तरह बनाऊंगी वीडियो में बहुत देर लग जाती है। मैंने कहा ठीक है आज मैं ही बना लेती हूँ। अच्छा, वीडियो में कुछ गलती हो तो प्लीज़ मेरी तरफ़ से आप सबको सॉरी, क्योंकि भाई मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, तो कभी मैं 1 टेबल स्पून कह देती हूँ, कभी चम्मच कह देती हूँ, तो भाई जो है वो मैं आपके साथ अपनी भाषा है यानी अपनी लैंग्वेज में जो भी है मैं बताते रहती हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी बहुत मैं अच्छी बनाऊँ वीडियो। और आपको ये चिकन और आलू का सालन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन लाइक और शेयर करने वाले और सब्सक्राइब करने वाले अभी तक बहुत कम हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि जो मैं रोज़ अपलोड करूँगी वीडियो आप तक पहुँचेगी। अगर आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तो वो वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगी, इसके लिए जो सब्सक्राइब करें वो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और अपनी दुआओं मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।